फ्रेंड्स, वेलकम है आप सबका मेरे चैनल पर और मेरी रेसिपी देखने के लिए। चलिए देखते हैं आज कुछ नई रेसिपी। तो चलिए बनाते हैं ब्रेड से कुछ अच्छा सा नाश्ता। तो ये मैंने ब्रेड ले लिया है और आलू ले लिया है। आलू को मैंने बॉयल करके रखा है, 3 से 4 आलू है। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहें तो ज़्यादा ले सकते हो। मैंने ब्रेड थोड़ा छोटा वाला लिया है, आप बड़ा वाला भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं आलू मसाला ब्रेड सैंडविच। तो इसके लिए मैंने लिया है ग्रीन चिली सॉस और टोमेटो सॉस और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और थोड़ी सी कटी बारीक कटी हुई प्याज। तो चलिए ब्रेड को रख देते हैं अभी साइड में और आलू को कर लेते हैं बढ़िया से मैश। और आप लोग सोच रहे होंगे, थोड़ी छोटी सी बात करनी है, आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरे वीडियोस क्यों नहीं आ रहे। तो थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम चल रहा था, 1-2 महीने से मैंने वीडियो नहीं बनाए हैं और अब आप कंटिन्यू वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। तो इसीलिए देखना बिल्कुल मत भूलना और अच्छी अच्छी रेसिपीज मैं बना करके वीडियो की अच्छे से भेजूंगी। तो चलिए यहाँ पर आलू भी अच्छे से मैश हो गया है, बढ़िया से बिल्कुल मैश कर लेना है। और फिर यहाँ मैंने रख लिए कढ़ाई, उसमें बिल्कुल थोड़ा सा तेल डाला है और फिर डाल दिया है जीरा। जीरे को अच्छे से तड़कने देंगे और फिर डालेंगे इसमें 2 पिंच के करीब हींग। हींग से बढ़िया से टेस्ट आएगा और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। फिर डाल देते हैं प्याज और प्याज को बढ़िया से इसको भून लेते हैं। तो इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसको थोड़ा सा क्रंची रखना है, मतलब हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। और फिर मैंने डाल दिया था इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और उसको भी बढ़िया से भून लेते हैं। और इसको थोड़ी देर चलाएंगे और भूनने देंगे थोड़ा सा। और फिर इसमें डालेंगे कुछ इसे मसाले। तो जैसे कि सबसे पहले डाल लेते हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इससे कलर अच्छा आएगा। और फिर मैं डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, कुटी हुई मिर्च है ये, पाउडर नहीं है। और फिर डाल दिया धनिया पाउडर, फिर डाल दिया थोड़ा सा गरम मसाला और नमक। तो मैं ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं कर रही हूँ, बस इनको थोड़ा सा भून लेंगे मसालों को, जिससे कि कच्चापन इसका निकल जाए। और फिर बस जो अपन ने मैश किए करके रखे थे आलू को, उनको डाल देते हैं और इनको बढ़िया से मिक्स कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर अच्छे से इनको मिला देते हैं, कितना मस्त कलर आ रहा है आलूओं का और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और ज़्यादा मसाले नहीं है, ज़्यादा तेल नहीं है, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। और चलिए अब डाल देते हैं ये टमाटर का पाउडर। अगर आप लोग बनाना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं इस पर एक वीडियो बना करके डाल दूँगी। तो चलिए अभी इसको फिलहाल टमाटर का पाउडर इसमें डाल देते हैं, 1 चम्मच भर करके डाल दिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, जिससे कि इससे थोड़ा सा खट्टापन आ जाए, बहुत अच्छा टेस्ट लगेगा। फिर डाल देते हैं अपना हरा धनिया और बढ़िया से मिक्स कर देते हैं और इसको रख देते हैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए। और इधर अपने ब्रेड को ले लेते हैं। तो एक प्लेट में 2 ब्रेड मैंने रख लिए हैं और इसमें डाल दिया है टोमेटो सॉस और एक पर डाल दिया है मैंने ग्रीन चिली सॉस। तो दोनों को बढ़िया से पूरे में फैला देते हैं चारों तरफ से। देखिए इस तरह से पूरा इस पर ऐसे फैला देंगे और ये ग्रीन चिली सॉस है ना, इसको भी यहाँ पर फैला देते हैं। और अगर आपके पास ये सॉस नहीं है तो आप घर में हरी चटनी और इमली की चटनी बना करके भी लगा सकते हैं। तो बस मैंने ऐसे ही चारों ब्रेडों पर बढ़िया से लगा दिया है और फिर रख लेंगे इसके ऊपर जो अपन ने आलू का मिश्रण बनाया था ना, उसको चारों ब्रेड के ऊपर 1-1 चम्मच अच्छे से भर करके रख लेंगे, इससे बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो बस इस तरह से चारों पर रख देते हैं और फिर इसको क्या करना है, अपन को 1 चम्मच लेनी है और चम्मच की मदद से बढ़िया से इसको चारों तरफ फैला देना है। देखिए इस तरह से इसको फैला देंगे, देखिए इस तरह से फैलाते जाएंगे। और ये देखिए अगर कम पड़ता है तो और भी उस पर मिश्रण डाल करके बढ़िया से भर भर के अच्छा सा इस पर फैला देंगे। और देखिए मैं एक बार और करके दिखा देती हूँ, ये देखिए इस तरह से पूरा फैला देते हैं, ये देखिए पूरा सेट कर देंगे बढ़िया से इसको चौकोर सा है उसमें। और फिर ये भी अपन बढ़िया से इसको भी सेट कर लेते हैं, मैं दिखाती हूँ देखिए इस तरह से। और ये ब्रेड जो रेड वाले हैं ना, जो सॉस लगाए थे, इनको ऊपर से रखते जाएंगे और थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि एक दूसरे में ये अच्छे से चिपक जाए। तो बढ़िया से ये देखिए चिपक गए हैं और ये देखिए बढ़िया से बन गया ना सैंडविच। ये देखिए कोई तामझाम नहीं, कुछ नहीं, और टेस्ट में भी बढ़िया और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और इधर मैंने तवा को अच्छे से गरम कर दिया है, गरम करने के बाद घी लगा दिया है और घी लगाने के बाद इन ब्रेडों को इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे।
तो हमको क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन इसको बढ़िया से सेक लेना है और ऊपर से भी थोड़ा सा घी लगा देते हैं, जिससे कि इस साइड से भी अच्छे से सिक जाएंगे। और थोड़ा सा दबा दबा कर सेकेंगे ना तो उस पर कलर बहुत अच्छा आ जाएगा। और ये देखिए थोड़ा सा ऐसे चला देंगे इस तरह से, और फिर इनको पलट करके सेक लेंगे दूसरी तरफ से। ये देखिए आया ना अच्छा कलर, ये देखिए कितना मस्त कलर आया है और खाने में भी बहुत ही टेस्ट भी बहुत बढ़िया है। ये देखिए बढ़िया से सिक गए हैं दोनों साइड से, बढ़िया देखिए इस तरह से इनको सेक लेना है। और बड़े तो बड़े बच्चे भी बहुत चाव से खाएंगे और बहुत ही टेस्टी भी हैं और ज़्यादा उसमें मसाले भी नहीं है तो बच्चे भी खा सकते हैं। तो बनाइए और खिलाइए घर वालों को बढ़िया से और अपनी तारीफ़ें लूटिए। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ कितना बढ़िया, देखो एक दूसरे में चिपक गए हैं और बढ़िया से सिक गए हैं। और एक मैं आपको काट के भी दिखा देती हूँ अंदर से कैसा दिख रहा है, और अंदर से बढ़िया सा सॉफ्ट रहेगा, ऊपर से बढ़िया से क्रिस्पी रहेगा। ये देखिए वाओ कितना मस्त बना हुआ है। और इसके ऊपर आप प्याज, टमाटर, शिमला मिर्ची, पत्ता गोभी वो भी ऊपर से डाल सकते हैं। मैंने ऐसा सादा सिंपल से बनाया है। और देखिए इस तरह से बनाइए और खाइए आलू मसाला सैंडविच। और अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और आगे तक शेयर करना। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन बटन जरूर दबाना, जिससे कि मेरी हर रेसिपी आप सबसे पहले देख सकें। और ऐसी ही रेसिपी के साथ फिर मिलते हैं।